Hey guys, please subscribe my channel, hit the like button and press the bell icon to never miss the notification. हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ नम्रिता, आपका स्वागत है मेरे चैनल CMS स्टूडेंट में। तो आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर करना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, द सेल टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग टू पीरियड वर एज फॉलो। सेल टर्नओवर एंड प्रॉफिट जो दिया गया है वो दो पीरियड के दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दो पीरियड कौन कौन से हैं, एक और दो। इसमें सेल 2 लाख है और इसमें सेल 3 लाख है। इसमें प्रॉफिट 20,000, इसमें प्रॉफिट 40,000 है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो जानते हैं। व्हाट वुड बी प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल ऑफ 1,80,000 रुपीज़ एंड व्हाट अमाउंट ऑफ सेल विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या। अब अगर मैंने बताया था आपको कि अगर चेंज ये सेल 2 साल का सेल दे रखा है और 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, जिसमें जब हम चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल लिखते हैं तब का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कैसे करना है, तो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा था, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। कैसे निकालेंगे इसका, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल कैसे आएगा। प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है और सेल का डिफरेंस लेना है, उसी को हम चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल कहते हैं। तो इसमें आएगा 20,000 रुपये, इसमें आएगा 1 लाख रुपये, 1 लाख का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हमें ये लेना है, तो 20,000 प्रॉफिट का और 1 लाख इसका, तो कितना है टोटल बता दो मैं फटाफट। कितने पीवी रेशियो आएगी, 20% पीवी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 20% पीवी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस हिसाब से पहले फिक्स कॉस्ट निकालना होगा, तभी तो हम सेल डिजायर्ड प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट गिवन है वो डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है और हमें निकालना है सेल रिक्वायर्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सेल रिक्वायर्ड निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लेता हूँ। सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, क्योंकि इसमें हमें सेल की वॉल्यूम निकालनी है तो हमें पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है, ना कि इसका यूनिट निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है, पीवी रेशियो भी गिवन है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या है, फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था बताया है मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में, क्या बताया था, ये है कि सेल गिवन है, पीवी रेशियो भी गिवन है, इसे मल्टीप्लाई कर दो और प्रॉफिट गिवन है इसे माइनस कर दो। ये है इसका फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब कैसे करना है, सेल हमें किन्हीं भी दो साल को लेना, जैसे कि पहला पीरियड दे रखा है पीरियड और क्या लिखा है सेल और प्रॉफिट ये गिवन है। तो पीरियड 1 का 2 लाख है और इसका 20,000 है, पीरियड 2 का 3 लाख है और इसका 40,000 है, ठीक है। यही है ना, यही क्वेश्चन में गिवन है, हाँ। तो हमें चाहे इस साल का ले लूँ चाहे इस साल का ले लूँ, बात एक ही है, मैं दोनों से करके दिखा दूँगा, आपको श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सेल आ गया हमारा मान लो 2 लाख, ठीक है। पीवी रेशियो 20% है हमारा, पीवी रेशियो फिक्स रहेगा, प्रॉफिट रहेगा 20,000। अगर पहले साल करें तो पहले साल का ही प्रॉफिट लेना होगा, ना कि दूसरे साल वाला, ठीक है। इसका 20% निकाल दो फटाफट, इसका 20% कितना आएगा, 2 लाख का 20%, ये आ गया 40,000 आ गया। अब माइनस 20,000 कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 ही आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आ गया 20,000 रुपीज़। अब अगर दूसरे साल से करके दिखा देता हूँ एक बारी और में डाल देते हैं, अगर सेल हमारा 3 लाख होता और पीवी रेशियो सेम होता और ये 40,000 जाता, ठीक होती है, 60,000 आता और ये 40,000 माइनस कर देते तो भी 20,000 रुपीज़ ही फिक्स कॉस्ट आता,
ठीक है, ये होता है, ठीक है, आप समझ गए इससे। ठीक है, अब हमें यही निकालना है ये, ठीक है, तो क्योंकि ये निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो ये आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दो, 20,000 हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट जो 50,000 गिवन था क्वेश्चन में, ये देखिए, ये जो ईल्ड प्रॉफिट है इसे हम डिजायर्ड प्रॉफिट ही मानेंगे, तो ये प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ गिवन है, ठीक है, तो 50,000 और ये आ जाएगा हमारा पीवी रेशियो है 20%, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर, फटाफट बता दो मुझे। 20 प्लस 50 70 डिवाइड बाई 20% कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये, ये आ गया हमारा डायरेक्ट सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया 3.5 लाख रुपये आंसर। और यहाँ पे देख लो वही निकाला है, पीवी रेशियो 20% आ गया, हमारा भी आ गया था, ठीक है, 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आया था इनका, हमारा भी आ गया, इनका भी आ गया, और 3.5 लाख रुपये डिजायर्ड प्रॉफिट भी आ गया इनका और हमारा भी आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर आर एज फॉलो, तो दो दो साल की प्रॉफिट गिवन है हमें, लास्ट 2 ईयर्स के 2 साल के प्रॉफिट गिवन है, एक कंपनी का प्रॉफिट और सेल गिवन है, कैसा करना है, सेम वैसे ही करना है, देखो पहले पीवी रेशियो निकाल देंगे इसकी मदद से, फिर बीईपी निकालना है, मतलब इसमें सेल निकालना, ना तो यूनिट दे रखा है ना तो सेल दे रखा है, तो हमें सेल ही मानना पड़ेगा हमेशा कि सेल निकालना है, तो इसे भी ये निकाल देंगे, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट दे रखा है, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपये, तो उसी से हम हमारा सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट निकाल लेंगे। दूसरा बोलेगा प्रॉफिट व्हेन सेल आर 2,50,000, प्रॉफिट कब कितना होगा जब सेल इतना है, तो इसमें क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ये तीन तो आप आराम से कर लोगे, तो मैं सीधा आंसर में से इसका आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि आप इसे अच्छे से कर लोगे, क्योंकि मैंने ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन वाला जैसा ही है, ठीक है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, अगर अगर प्रॉफिट 50,000 दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट निकालना कि नहीं, 2 साल का, मतलब 2 साल का हमें वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले इसका हम लिख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या दे रखा है, वरना बाद में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्या बोलता है कि ईयर दे रखा है, सेल गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है, ये तीन चीज़ गिवन है, क्या क्या, ईयर क्या है 2014 एंड 15, और सेल क्या है 1.5 लाख और 1,70,000, ठीक है, और यहाँ पे 20,000 एंड 25,000, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें पीवी रेशियो निकालना है और बीईपी सेल निकालना, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट निकालना, ये तीन हमें पहले निकालने होंगे, तो ये तीन निकालने के लिए सबसे पहले चलो मैं फटाफट पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं फटाफट सॉल्व करूँगा आप समझ लीजिएगा, ठीक है, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले निकालना है हमें पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो निकालना कैसे है, तो हमें चेंज इन प्रॉफिट अपना चेंज इन सेल वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है, पीवी रेशियो, ठीक है, यही करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, अब हमें ये करना है कि फॉर्मूला लगाना, कि आंसर कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है, प्रॉफिट में 5,000 का डिफरेंस है, इसमें कितने डिफरेंस है 20,000 का डिफरेंस है, ठीक है, तो निकालेंगे 5,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, कितना आ गया फटाफट बताओ, तो 5,000 डिवाइड बाई 20,000, ये आ गया 25%, तो पी वी रेशियो आ गया 25%, ठीक है, तो पी वी रेशियो 25% आ गया, तो अब हो गया सॉल्व। अब हमें निकालना है बी ई पी सेल निकालना है, तो बीईपी सेल निकालने के लिए हमें पहले फिक्स कॉस्ट ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बीईपी सेल निकालने का फॉर्मूला ही फिक्स बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, तो सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, यही होता है फॉर्मूला। तो सेल किसी भी 2 साल का, किसी 1 साल का इसका लेता हूँ मैं, तो 1.5 लाख
पीवी जैसे 25% है और प्रॉफिट इसमें कितना है 25 20,000। तो कैसे करना है, 1.5 लाख का 25% निकालते हैं फटाफट। ये आ गया 37,500, 1.5 लाख का, एक मिनट, 1.5 लाख का 25% निकालेंगे 37,500 माइनस 20,000, तो कितना आएगा 17,500। तो फिक्स कॉस्ट आ गया हमारा 17,500 रुपये। ठीक है, अब हमारा निकल जाएगा बी ई पी सेल। कैसे निकालेंगे बी ई पी सेल, तो 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, ये आ जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, ये आ गया हमारा 70,000 रुपये बी ई पी सेल। ठीक है, ये आ गया बी ई पी सेल, आ गया 70,000 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना है सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना है यहाँ पे, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है, ठीक है ना, कि इनमें से कोई प्रॉफिट लेना है, इन दोनों में से, इन दोनों में से हमें कोई प्रॉफिट नहीं लेना है, ये डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला ही आपको सारा क्वेश्चन के आंसर आपके निकाल देगा। तो क्या है, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, ये है हमारा फिक्स कॉस्ट जो अभी निकल गया, प्रॉफिट भी हमें गिवन है जो डिजायर्ड प्रॉफिट रहता है, और हमें पीवी रेशियो से निकालना होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि यूनिट से निकालो, और हम इसे कंट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, और आपको पता है कंट्रीब्यूशन से कैसे निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं बता दूँगा कौन सा फॉर्मूला लगता है, अभी बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिक्स कॉस्ट हमारा 17,500 रुपये है, प्रॉफिट हमारा 40,000 रुपये जैसे कि गिवन है, और ये आ गया पीवी रेशियो 25%। ठीक है, तो ये कितना आएगा फटाफट बता दो मुझे, ये आ गया 40 + 10 57,500 डिवाइडेड बाई 25%, ये आ गया 2,30,000 रुपीज़, ये आ गया हमारा सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये भी देख रहे हो क्या बोल रहा है, अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अब हमें निकालना है प्रॉफिट व्हेन सेल आर कितना है 2,50,000, अगर सेल 2,50,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है अगर प्रॉफिट 50,000 गिवन है, और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहे हैं कि हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, चलिए बताता हूँ मैं आपको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट लिखो यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट, प्रॉफिट लिख दिया, अब निकाल लिखो सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ मैंने आपको बुद्धू बनाया, कैसे बनाया बताता हूँ, पहले क्या बात है, ये फॉर्मूला देख रहे हो ये वाला, इसकी जगह मैंने बस फिक्स कॉस्ट रख दिया और प्रॉफिट यहाँ रख दिया है, बस बाकी सब वही है। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मूला को इधर उधर करना है और आपको आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या बोलता है, सबसे पहले देखते हैं, तो सेल हमें गिवन है 2.5 लाख, हमें उन 2 सालों का सेल नहीं लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही से ही लेंगे। ठीक, और फिक्स कॉस्ट कितना आता है 17,500। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर बता दो फटाफट, 2.5 लाख का 25% और माइनस कर दो 17,500 से, ये आ गया 45,000 रुपये प्रॉफिट, 45,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये समझ में आया कैसे निकाला, चलो समझाता हूँ इसमें क्या है, जो इसमें सेल दे रखा है 2.5 लाख रुपये, हमें वही लेना है, ना कि 14-15 वाला सेल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में खुद गिवन है सेल, उसने ये नहीं बोला कि आपको ये पर्टिकुलर सेल लेना है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है और अगर प्रॉफिट गिवन है 50,000, तो हम इसमें ये चीज़ हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है कि प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, इससे दो तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ सकता है, तो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, कैसे, प्रॉफिट अगर 50,000 गिवन है और पीवी रेशियो अगर 25% है तो कैसे निकालेंगे, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 25% कितना आएगा 2 लाख,
ठीक है, ये आ गया एक, एक तो ये आ गया। और दूसरा कैसे निकालना है, दूसरा है कि टोटल सेल माइनस बीईपी, ठीक है, बीईपी एट सेल, ये है। टोटल सेल कैसे आएगा, पहले तो 1.5 लाख सेल ले लो, ठीक है, ये वाला, प्लस जो अभी ये सेल निकाला है हमने, ये वाला कहाँ गया, ये वाला सेल बी पी एट सेल वाला 70,000, ये ले लो, और 2,30,000 में से इसे माइनस कर दो। यही किया है इसने भी क्वेश्चन में, कहाँ गया, कहाँ है इनका क्वेश्चन का आंसर, 3, हाँ ये रहा, इन्होंने भी यही किया है, मुझे पता था यही करेंगे ये लोग। ये देखिए इन्होंने यही किया है, मार्जिनल सेफ्टी 50% का 2 लाख आ गया, ठीक है, ये रहने देना, ये नहीं करना, इन्होंने नहीं किया, ये इससे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट 2 सालों का। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना है पहले 2014 का, अगर इफ़ पी वी रेशियो लिखता, इफ़ पी वी रेशियो इज़ 25% देन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो 75% ऑफ सेल। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ठीक है। तो अगर पी वी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे करना है, अगर सेल 75% ऑफ 1.5 लाख है, 2014 की बात बता रहा हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, फटाफट बताओ। तो ये होगा 1,12,700, 1,12,500, ठीक है, इतना आएगा 14 का दूसरा। और वेरिएबल कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट 2015 का है तो कितना होगा, ये भी 75% ही होगा, 75% ऑफ सेल का, क्योंकि 25% ही पी वी रेशियो है, ठीक है। तो कैसे निकालना, अगर 75% ऑफ कितना था उसमें, कितना सेल था उसमें, 1,70,000 था, कितना होगा, 1,27,500 रुपये, ठीक है, 1,27,500, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ख़त्म। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि कैसे कहाँ समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और प्लीज़ बताया करिए, सजेशन दीजिए करिए कि और कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, अपना थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि और क्या करना चाहिए मुझे, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आप इसे ईजिली कर सकते हैं। अब मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन अब कराने का कोई मन नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बोल रहा है कि एस वी लिमिटेड ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निश यू द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द ईयर 2015। तो क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है फर्स्ट हाफ ईयर एंड सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है। फर्स्ट हाफ ईयर में जो सेल दिया है 45,000 है, सेकेंड हाफ ईयर में जो सेल दिया है 50,000 है, टोटल कॉस्ट है ये 40,000 और इसमें भी 43,000 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें निकालना अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इसमें अज्यूम करना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है और प्राइस में से कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा दैट द फिक्स एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इक्वली इन टू द 2 हाफ ईयर पीरियड। तो इसमें बोला जो फिक्स एक्सपेंसेस इंकर्ड किया है वो इक्वली टू हाफ ईयर पीरियड में इक्वली रहेगा। कैलकुलेट फॉर द ईयर 2015 में क्या निकालना है, हमें पी वी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन सेल निकालना है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है।
परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। तो पी वी रेशियो आप निकाल लोगे, इसका इसका डिफरेंस लेके, इसका इसका डिफरेंस लेके, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पी वी रेशियो। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल कैसे निकालना है, जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट बाय पी वी रेशियो कर देंगे। अब हमें पहले ही पूछोगे फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना है, बहुत इजी फॉर्मूला, सेल इनटू पी वी रेशियो माइनस प्रॉफिट निकाल देना, वो आ जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल भी आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगा आराम से। कैसे निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 प्लस 45,000 ये डिवाइडेड बाई माइनस बाई 65, ठीक है, ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर रेशियो निकालना है तो उसी को उसी से डिवाइड कर देना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना आप आराम से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, इसमें बोल रखा है दो कंपनियाँ, दो प्रोडक्ट हैं एल और एम, ठीक है, इसमें दो प्रोडक्ट हैं एल और एम, जिसकी सेल्स दे रखी है 60,000 60,000, वेरिएबल कॉस्ट भी 42,000 30,000, कंट्रीब्यूशन इन्होंने पहले से दे रखा है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दे रखा 36,000 और नेट इनकम जो माइनस जो इसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं वो गिवन है 12,000, और हमें निकालना क्या ये पूछ रहा है, पढ़ते हैं। यू रिक्वायर टू कंप्यूट द पी वी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट द पी वी रेशियो, हमें निकालना है पहले सभी प्रोडक्ट का पी वी रेशियो, और उसके बाद क्या निकालना, देन कंप्यूट द पी वी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग अजम्पशन। फिर हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है, पी वी रेशियो भी निकालना है, क्या क्या फॉलोइंग अजम्पशन क्या है, अगर सेल रिवेन्यू डिविडेंड 60% ऑफ प्रोडक्ट एल है और 40% ऑफ प्रोडक्ट एम है, तो सेल रेवेन्यू निकालना है, तो मतलब सेल हमें सेल का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी 60% 60% करना पड़ेगा, और ऐसे 40% इसका करना पड़ेगा, 40% इसका करना पड़ेगा, ठीक है, ये सीन है। फिर सेल रेवेन्यू अगर 40% अगर इसका हो जाए और 60% इसका हो जाए, मतलब उल्टा कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या बोलता है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल अप टू 180,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल मिक्स प्रोवाइड द अबव, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस, मैंने अभी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, आपको भी ऐसे ही फॉर्मेट बनाना होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, बेसिकली पर्टिकुलर क्वेश्चन 8 में ही आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाना क्या है इसमें, इसमें बोलो का दो अजम्पशंस बोले हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो पॉइंट करने हैं, एक तो 60 और 40 वाला और दूसरा है 40 और 60 वाला, ठीक है। तो हमें ऐसे दो करने निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने दो फॉर्मेट बनाए केस 1 एंड केस 2, ठीक है। और हमें करना क्या है, इसमें पहले बोला है कि हमें पहले पी वी रेशियो निकालना पड़ेगा ईच प्रोडक्ट का, इनका इनका और इनका, पहले एल का निकालेंगे, फिर एम का निकालेंगे, फिर टोटल का निकाल देंगे एक बारी में, ठीक है। फिर दूसरा बोला कि सबका पी वी रेशियो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका पी वी रेशियो निकालना है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। और उसमें अगर ये केस 1 का भी निकालना है, केस 2 का भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो पहले एक बार मैं यहाँ पे जो बताना चाहता था मैं भूल गया, हम टोटल कॉस्ट का ही 60-40 करेंगे, 40-60 करेंगे, ठीक है। इसका ही हम 60-40 करेंगे, 40-60 करेंगे, ठीक है। और इसका ही 60-40 और 40-60 करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अब क्या बोलता है कि क्वेश्चन को मैं सामने रख लेता हूँ अपने यहाँ पे। अब क्या बोलता है कि सेल गिवन है पहले, तो सेल लिखते हैं, सेल्स सेल्स कितना है टोटल, 120,000 टोटल सेल कितना है, टोटल सेल है 120,000, ठीक है। अब 120,000 को 60-40 में बांट दो, 120,000 का 60% 72,000 तो एल में जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है, और इसका 40% 120 का 40% 48,000 तो ये जाएगा एम में, ठीक है। ये आ गया हमारा सेल। अब हमें यहाँ से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तभी तो आया कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से लिख दो, यहाँ लिख दो हमारा
वेरिएबल कॉस्ट, हमें इसे माइनस करना होता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 72,000। तो 72,000 कैसे नहीं आएगा, 72,000 इसमें ये आएगा, वेरिएबल कॉस्ट 42 प्लस। तो गाइस हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पीवी रेशियो निकालना होगा, जैसे इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि यू रिक्वायर टू कंप्यूट द पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो हमें सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना होगा ईच प्रोडक्ट के लिए, ईच प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं निकलेगा, तो यहाँ मैंने निकाल दिया है पीवी रेशियो, यहाँ पे ये एल का निकाला है, एम का निकाला है, फिर टोटल का निकाला है। कैसे निकाला है कि क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन का अमाउंट गिवन है, सेल का भी अमाउंट गिवन है, डिवाइड करके मैंने एल का निकाल दिया, एम का कंट्रीब्यूशन गिवन है, सेल का गिवन है, डिवाइड करके मैंने एम का कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकाल दिया। टोटल में कंट्रीब्यूशन 48,000 है और सेल 120,000 से डिवाइड करके मैंने 40% मैंने अपना को पीवी रेशियो निकाल दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट बटेगा। अगर इसमें जैसे दे रखा है कि एल का 30% पीवी रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट 70,000 होगा। और अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे देखो गिवन है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट अगर 72,000 है, तो 72,000 को हमें बांटना होगा। तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे 72,000 इंटू 70% तो आएगा, पहले का 50,400 आएगा, दूसरा का 70,000 है और इसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 48,000 का 50% ये आएगा 24,000, ठीक है। हमें सेल्स का निकालना है, क्योंकि इसमें बोलता नहीं है, मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% तो सेल का 70% होगा, 30% तो सेल का 30% होगा, जितना वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा उसका हम सेल से ही करेंगे, उसको हम सेल से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अब टोटल कर लो इसको फटाफट, ये आएगा टोटल करने पे 74,400। मैं यहाँ ले देता हूँ आपको, अगर इफ़ यहाँ पे मैं थ्योरी में ले देता हूँ नोट में, ठीक है, क्या बोलता है, इफ़ एनी पीवी रेशियो आर गिवन देन वेरिएबल कॉस्ट आर रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय सेल। ये मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया है, आप समझ जाएं कैसे लिखा है, कि अगर पीवी रेशियो 30% गिवन है, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा उसी को हम सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट, ठीक है। अब अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो अब अच्छी सी बात है कि अब कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, हम फटाफट निकाल लेते हैं, तो 70,000 को हम माइनस करना है इससे, तो 72,000 माइनस 50 ये आएगा 21,600 रुपये, इसका हाफ़ है तो 24,000, और यहाँ से 120,000 माइनस 74,400 तो आ जाएगा 45,600। इसको टोटल करेंगे तो यही आएगा, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना है और आंसर गेटेड, तो यहाँ से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का हमें परसेंटेज नहीं निकालना है, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट माइनस होता है, कितना है यहाँ फिक्स कॉस्ट 36,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 माइनस कर देंगे तो इसमें से ये आएगा 9,600, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो गाइस प्रॉफिट आ चुका है हमारा, अब हमें इनका पीवी रेशियो निकालना है और इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पीवी रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट, तो पहले इसको बॉक्स में डाल लेते हैं पूरा,
और हमें निकालना है इसका पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कैसे निकालना है आपको फॉर्मूला तो पता होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल करना है। तो 21,600 डिवाइडेड बाई 72,000 इसका आएगा 30% पीवी रेशियो आ जाएगा, और ये आएगा इसका आएगा 50% ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 24 है यहाँ पे ये है तो 50% ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा इसका कितना आएगा, अगर 45,600 इसका कंट्रीब्यूशन है और 1,20,000 इसका सेल है, यह आएगा 38%। ठीक है, अब हमें बी ई पी निकालना है, तो BEP सेल निकालना है। ठीक है, BEP यूनिट निकालना, तो डायरेक्ट निकालेंगे इसका, इसका आएगा फिक्स को 36,000 डिवाइड बाई 38%, यह आएगा मैं निकालता लिखता हूँ इसको, यह आया है फिक्स कॉस्ट करते हैं अपॉन में पीवी रेशियो, ऐसे निकालते हैं इसे। तो कैसे निकालेंगे, ये आएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 38%, तो टोटल आंसर आएगा 94737.8 आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.8 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 7 लिख दिया। ठीक है, ठीक, ये आ गया पहले का सॉल्व हो गया, पहला केस सॉल्व हो गया हमारा। पहले केस में BEP इतना आ रहा है और PV रेशियो इतना आ रहा है, मैं अभी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे करना है। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस में भी सेम यही करना है, तो सेल लिखते हैं सेल फटाफट 1,20,000, इसमें 40-60 लेना है, 60-40 नहीं लेना है, 40-60 लेना है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये 48,000 यहाँ आ जाएगा और 60,000 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 72,000 यहाँ आ जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट वैसे निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वेरिएबल कॉस्ट यही वाला निकलना है, कैसे निकालेंगे, 48,000 का 70% लेना है, 48,000 का 70% लेना है, तो यह आएगा 33,600। ठीक है, और 72,000 का 50%, तो 72,000 का 50% लेना है, ये आएगा 36,000, टोटल करने पे कितना आएगा 69,600 रुपीज़। अब कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा आराम से, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ये बता दो मुझे फटाफट, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 50,400, यहाँ पे ये हाफ है तो 36,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ 48,000 माइनस 36 ये आ जाएगा 14,400 रुपये। अब फटाफट फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो यहाँ से, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट कितना था 36,000, यहाँ से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट 36,000, ये आ गया 14,400। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें इसका भी पीवी रेशियो निकालना और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। रेशियो पहले से बॉक्स में बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं पीवी रेशियो, निकालो उसका पीवी रेशियो, 70% 30% ही आएगा यहाँ पे भी, कैसे बोला 70% अगर कंट्रीब्यूशन 30% ही हमारा वो होगा, सॉरी 70% अगर पीवी वेरिएबल कॉस्ट है तो 30% हमारा ये होगा, ये हाफ है यहाँ पे 50% ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना इसका पीवी रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन इतना है 50,400, वेरिएबल कॉस्ट सेल 1,20,000 है, तो इसका आएगा 42%। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट अपन में पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट 36,000 है और पीवी रेशियो 42% है, तो यह आएगा 85714.28, मैंने इतना लिख दिया है। ठीक है, आप देख लेना इतने रुपीज़ आएगा फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं लेता हूँ यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्यूशन में कितना कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है क्या है, केस वन का पीवी रेशियो एल प्रोडक्ट और एम प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट का, तो एल का कितना है 30%, इसका 50%, इसका 38% आया है, और इसका बीईपी कितना आया है
इसका बीईपी कितना आया है 9794, इसका बीईपी आया है 94737, ठीक है ये आया है। ठीक है अब केस टू, केस टू का पीवी रेशियो प्रोडक्ट एल एंड प्रोडक्ट एम एंड टोटल, इसका भी 30%, 50% एंड 42%। और इसका बीईपी कितना आया, इसका बीईपी आया है 85,714.28, 2.8, तो 8,714.28 उसको 85,714.28 पैसा इतना आया है बीईपी यूनिट, सॉरी बीईपी आया है, ठीक है रुपए आ गए। ठीक ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में एक बार आ चुका है। और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं अब ब्रेक ब्रेक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सब में वही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा दूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 9, 11, 12 एंड 14 देन 17 एंड 18, दैट्स ऑल, बस इतने क्वेश्चन कराने हैं आज ही, आज मार्जिन कॉस्टिंग ख़त्म करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है पहले ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एसेलरेट कंपनी लिमिटेड है एक मैन्युफैक्चर एंड सेल 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये एसेलरेट कंपनी है जो, एक मिनट, एसेलरेट कंपनी है जो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ब्रांड कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, तो ये 4 ब्रांड है। ठीक है अब ये क्या बोलता है, द सेल मिक्स इन द वैल्यू ऑफ कंपेराइज 33.33, इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं इतना, और इसको 14 into 2/3 बोलते हैं, 16/2 into 3 बोलते हैं एंड 18/1/3 बोलते हैं। ठीक है परसेंटेज गिवन है इनकी एंड ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली द टोटल बजट सेल, और ये बजट सेल है, ये सेल गिवन है 60,000 रुपये पर मंथ एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है इसका, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है इनका ये है, और ये फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक है 14,700 रुपये पर मंथ। हमें निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सभी प्रोडक्ट का ऑल ओवर बेसिस पे। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना अगर इफ़ द सेल मिक्स इज चेंज, सेल मिक्स जो ये वाला है, ये वाला पॉइंट चेंज हो जाता है, ये हो अगर चेंज हो जाता है, चेंज होकर ये हो जाता है, जैसे 25% ए का है, बी का 40%, सी का 30% और डी का 5%। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 प्रोडक्ट हैं, 4 टाइप के प्रोडक्ट का नाम है ए बी सी और डी है, और उनका सेल मिक्स दे रखा है यहाँ पे, और उनके टोटल बजट सेल गिवन है 60,000 रुपये पर मंथ, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है इस हिसाब से, और फिक्स कॉस्ट गिवन है 14,700 रुपये पर मंथ। पहले में बोलता है हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ठीक है ये आराम से निकल जाएगा। दूसरे में बोलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, लेकिन साथ में अगर सेल मिक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर क्या कैसे निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 तो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है हमें ऐसा, इसमें दो केस पूछे हैं, अगर सेल मिक्स किए गिवन है और अगर सेल मिक्स में चेंजेस आते हैं, ध्यान देते हैं, इफ सेल मिक्स चेंज है, यहाँ पर इफ सेल मिक्स नो चेंज, तो ये है ठीक है, 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी और इनके सेल मिक्स दे रखे हैं इनके, और इसके सेल मिक्स दे रखे हैं लेकिन वो चेंज हो रखे हैं, इनके हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और इसका भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालना चलो हम देखते हैं। पहला
तो पहला ये है कि बजटेड सेल गिवन है हमें 60,000 रुपये पर मंथ, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं। बजटेड सेल गिवन है हमें, बजटेड सेल गिवन है हमें 60,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो और हमें सेल मिक्स गिवन भी है, ठीक है। सेल मिक्स कितना गिवन है पहले का, 33 × 1/3%, 1/3% गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में करें तो 33 × 3 + 1/3, इसका अगर 33.333333% आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले निकालना है हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या कौन कौन से, हेलो सॉरी, पहले हमें सेल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन फिर हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो के बाद फिर हमें फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हमारा आएगा, ठीक है। तो सेल निकालने के लिए सबसे पहले बजटेड सेल गिवन है और यहाँ पे हमें सेल मिक्स गिवन है, ठीक है। तो इसी को इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हमें सेल की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो 60,000 × 33.3333% तो यह आएगा 99,999.98 रुपीज़, तो इसको हम 20,000 बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कि 41 × 2.2/3 ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको प्लस कर दो, कैसे करना है। 41 2/3 है ना, तो 41 × 3 + 2/3 कर देते हैं, ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो करना क्या है, क्या आएगा इसका आंसर, 41 × 3 + 2/3, यह आ जाएगा 41.66666, 60,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया आपका 24,999.9999 रुपीज़, तो इधर आएगा 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ बी का आ जाएगा 25,000 रुपये, तो ऐसे सबका करना है, फटाफट लिख देते हैं। तो इसका आएगा 10,000 रुपये और इसका आएगा 8,000 रुपये, सॉरी 5,000, टोटल 15, 25 और 20 हो जाएगा, टोटल 60,000 रुपये, ठीक है। सेल आ गई, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट लिखना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हमें यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस से सिर्फ हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये इसी का हमें 60 निकालना है, 40% निकालना है, 80% 80%, 40% ऐसे निकालना है। तो पहले का कितना परसेंटेज है, पहले का 60% है, तो 20,000 का 60% कितना आता है, 12,000, ठीक है। 25,000 का 68%, 17,000 रुपये, 17,000 रुपये आ गया। 10,000 का 80%, 8,000 रुपये, और 5,000 का 40%, ये आ गया हमारा 2,000 रुपये, ठीक है। टोटल करें कितना आ गया, तो 12,000 + 17,000 + 10,000, ये आ गया 39,000 रुपीज़। अब हमें इजीली कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ये निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन आता है 8,000 रुपये यहाँ पे आएगा, और 25 - 17 कितना आएगा, ये आएगा 8,000 रुपये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे 2,000 आएगा, यहाँ पे 3,000 आएगा, ठीक है। तो 60 - 39,000 ये आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज़, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ये कैसे समझ में आया मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाऊंगा इसे, पहले हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो यहाँ पे, तो फिक्स कॉस्ट गिवन है 14,700 रुपये पर मंथ, 14,700 रुपये ये आ गया। तो 21,700 - 14,700 कितना आएगा, 6,300 रुपये, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आएगा 6,300 रुपये, ठीक है। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट पहले ईयर का, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पीवी रेशियो निकालना है तो निकालने का एक तरीका है, हाँ। तो हमने एक
प्रॉफिट निकाल लिया, जब हमें अब पीवी रेशियो निकालना होगा, पीवी रेशियो इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है आप समझ जाओगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000 है, सेल 20,000 है, कितना आएगा पहले का पीवी रेशियो, पहले का पीवी रेशियो आएगा 40% रुपीज़, कैसे, 8,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, और इसका निकाल दो, मैं फटाफट लिख रहा हूँ यहाँ से, आप घर पे निकाल लेना अच्छे से, 20% और यहाँ पे 60% और यहाँ पे 35%। अब इसका हमें डायरेक्ट वो निकालना है BEP, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, इसका आ जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास 6300 डिवाइडेड बाय 35%, कैसा आएगा, तो 6300 डिवाइडेड बाय 35% ये आ गया 18,000 रुपीज़ पहले केस का BEP, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया नहीं आया, ठीक है समझा रहा हूँ दोबारा से। तो सेल निकालना है, जो हमें सेल में सिबल जो रखी पहले वाले की, पहले किस्त की, तो उसी से हम सेल निकाल लेंगे, सेल कितना कैसे निकालेंगे, जो 60,000 रुपये बजटेड सेल दे रखा है उसी को, जो सेल मिक्स गिवन है पहले केस का, उसी को हम मल्टीप्लाई करके इससे निकाल देंगे सेल। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, और इसी को वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है क्वेश्चन में, जो परसेंटेज गिवन है, उसी को यहाँ से मल्टीप्लाई करके, इनसे इन सब से मल्टीप्लाई करके हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट लिख के सामने लिखा है कि सेलिंग प्राइस, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट गिवन है, और प्रॉफिट भी निकल जाएगा, और पीवी रेशियो भी निकल जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, इसमें सेल गिवन है, लेकिन इसमें हमारा वो सेल मिक्स जो है वो चेंज है, ठीक है। सेल मिक्स क्या है इसमें, इसमें सेल मिक्स गिवन है कि ए का सेल 25 है, बी का 40 है, तीस का सी का 30 है, और डी का 5% सेल मिक्स है, यहाँ पे सेल मिक्स चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन के आंसर में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 60,000 रुपये बजटेड है, तो 60,000 का 25% ये आएगा हमारा 15,000, तो पहले सेलिंग प्राइस का 15,000 रुपये आएगा, ठीक है। दूसरा 60,000 का 40% कितना आएगा यहाँ पे, 24,000, तीसरा 60,000 का 30% 18,000, चौथा 60,000 का 5% ये आएगा 3,000 रुपये, तो टोटल आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। जोड़ जोड़ के करोगे 60,000 रुपये ही आएगा, क्योंकि हमने उसी से ही निकाला है। और यहाँ पे निकाल दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पे गिवन है 60, 68, 80, 40%, तो पहले का 15,000 का 60% कितना आएगा, 9,000 रुपये, दूसरा 24,000 का 68% ये आएगा 16,320 रुपये, 18,000 का हमें निकालना है 80%, तो 18,000 का 80% कितना आएगा फटाफट बताओ, ये आएगा 14,400 रुपये। फिर 3,000 का 40%, 3,000 का 40% आएगा 1,200 रुपये, टोटल कर लो फटाफट, तो यहाँ पे 1,200 प्लस 14,400 प्लस 16,320 प्लस 9,000 ये आएगा 40,920 रुपये, फटाफट कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा हमारा, और इजी हो गया अब हमें, एक बार अगर हम समझ गए तो अपने आप सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 19,080, अब हमें निकालना इनका, ये आ गया हमारा 800, ये 18,000 में से 14,400 माइनस कर दो, ये आ गया 3600, यहाँ 24,000 में से माइनस कर 16,320, 7,680, और 15 में से 9 गया तो 6,000 रुपये, ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल, ठीक है। अब हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो यहाँ से, माइनस कर देंगे यहाँ से फिक्स कॉस्ट 14,700, ये आ जाएगा 19,000 में से 19,080 माइनस 14,700, ये आ गया हमारा 4,380 रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है पीवी रेशियो, इजीली आप पीवी रेशियो निकाल लोगे, फिर यहाँ से निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमारा लास्ट आंसर है।
तो पी वी रेशियो कितना आएगा यहाँ का बताओ फटाफट, पी वी रेशियो कितना आएगा जल्दी जल्दी बताओ। तो पहले का पी वी रेशियो 40% ही आएगा जैसे कि पिछली बार आया था, इसका भी 32% आएगा और इसका 20% ही आएगा, सेम रहेगा पी वी रेशियो। पी वी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे चेंजेस आएगा यहाँ पे, क्योंकि सब आंसर सबका आंसर वही है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे निकालना है हमें कंट्रीब्यूशन इतना है, सेल इतना है, तो कंट्रीब्यूशन 19,080 डिवाइड बाई 60,000 ये आएगा 31.8% ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसका बीपी निकाल दो, और फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो ये आ गया हमारा आंसर। फिक्स कॉस्ट अगर 14,700 रुपये है, यहाँ मैंने गलती कर दी, 14,700 रुपये है तो 14,700 रुपये है तो 35% कितना आएगा, 42,000 ही गलत हो गया, सॉरी 42,000। यहाँ पे अगर 14,700 रुपये है तो पी वी रेशियो अगर 31.8% है तो कितना आएगा, तो 14,700 डिवाइड बाई 31.8% ये आएगा 14,700 डिवाइड बाई 31.8% ये आएगा 46226.415, तीन डिजिट तक ले रखा है मैंने, वैसे 65 ठीक है, यहीं तक होगा आंसर, और ये आंसर कंप्लीट। और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।